देखो, एक उदाहरण के जरिए हम एक और भी उसको खोल के समझते हैं। देखो, आपके साथ में एक, देखो, एक बर्फ का टुकड़ा है। वो कैसा होता है? ठोस होता है। तो समझ लो कि ये है ईगो, स्टिफ ईगो। जो बर्फ का टुकड़ा है, अगर किसी के ऊपर फेंको तो उसका लग भी जाता है, उसको कष्ट भी हो जाता है। पर अगर इसी बर्फ को अगर हम नीचे रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? पानी बन जाता है और बहने लगता है। और थोड़ी देर रखो तो बाफ बन जाएगा और समस्ती में फैल जाएगा, है ना? तो जब तक हम मैपन में जकड़े रहते हैं तब तक कष्टदायी होते हैं। ये बात हमारे लिए भी और औरों के लिए भी विनाशकारी हो सकती है। पर जैसे पिघलते जाते हैं, जैसे सरेंडर करते जाते हैं, वैसे वैसे हम कल्याणकारी होते हैं, लोगों के लिए, अपने लिए, सबके भले होते हैं और हम उपयोगी बन जाते हैं, है ना?